साथियों, आज इतनी शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए, आपने तकलीफ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे बाई साइड में बैठी है हमारी डॉक्टर फरीदा खान जी, जो स्टेट सेक्रेटरी, और हमारे इलेक्शन कांग्रेस ने तानाशाही दिखाई और पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझकर उस रूट पे रुकावटें खड़ा करवाई ताकि पीएम साहब जो है वो पंजाब में जाके रैली न कर पाए, और 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री को एक जगह रोका गया, वो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। जहां जिस स्टेट में, जिस कांग्रेस राज में देश के प्रधानमंत्री महफूज नहीं है, उस स्टेट में, उस कांग्रेस रूल में एक आम आदमी की हालत क्या होगी, ये इसी बात से अंदाजा चलता था। कांग्रेस का ये ब्लडी जो डिजाइन था, जो इनकी सोची समझी चाल थी, और एक वेल प्लानड जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि देश के प्रधानमंत्री को उस रास्ते पे लाके खड़ा किया जाए, उस रास्ते पे उसको डाला जाए जहां ऑलरेडी प्रोटेस्ट की संभावना थी, और पहले ही पंजाब गवर्नमेंट को यह प्रोग्राम पहुंच चुका था कि इस रूट पे कल प्रोटेस्ट होने वाला था। जबकि एज पर प्रोटोकॉल, जब देश के प्रधानमंत्री किसी रूट पे निकलते हैं तो उस रूट को ट्रैफिक से मुक्त किया जाता है, 4 घंटे पहले उस रूट पे ट्रैफिक रोका जाता है, और एक पैरेलल रूट भी उसके साथ रखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन सा रूट चूज करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस और कांग्रेस गवर्नमेंट जो पंजाब में इस वक्त रूल कर रही है, उन्होंने देश के पॉपुलर, दुनिया के सबसे पॉपुलर तरीन रहनुमा को जानबूझकर, उनकी जान के साथ खेलते हुए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ये प्लान डिजाइन किया है, ताकि देश के प्रधानमंत्री पंजाब में उस रैली और जो उनको कुछ वहां प्रोजेक्ट्स जो उनकी इनॉग्रेशन करनी थी उसमें वो जा न सके। ये एक वेल प्लान था। इससे कांग्रेस की वो मेंटेलिटी कि कांग्रेस हर महज पे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, यहां तक कि कांग्रेस मुक्त लगभग भारत हो चुका है, अब उसने तानाशाही इख्तियार करके एक देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक पार्टी का लीडर नहीं, वो देश का लीडर है और देश का प्रधानमंत्री है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये खूनी खेल जो खेला है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है, और हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि जहां देश का प्रधानमंत्री महफूज नहीं है, उस गवर्नमेंट को बर्खास्त करने की जरूरत है और वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। सीएम का कहना था, पंजाब सीएम का, वहाँ 70,000 की लोगों के लिए इंतजाम किया गया था, बट वहाँ पे 1,700 ही थे, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक और झूठ है। देख, यहाँ तक वहाँ की एजेंसी, वहाँ की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया, जहाँ तक वहाँ की एजेंसी और जो पिक्चर्स वहाँ से वायरल हो रही है, उसमें जितना भी वहाँ क्राउड था सारा फुल दिखाई दे गया। कांग्रेस इस चीज से बचने के लिए झूठ पे झूठ का सहारा ले रही है। वो आज पंजाब की सीआईडी एजेंसी ने भी क्लियर कर दिया कि वहां बहुत बड़ा क्राउड था, और ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, वहां लोगों की बहुत ज्यादा कसीर तादाद जमा होती है। कांग्रेस अब झूठ का सहारा लेकर इस मुद्दे से बचना चाहती है। मैं पहले भी कह चुका, अब भी दोहरा रहा हूं, ये कांग्रेस का ब्लडी डिजाइन था। उनको पता चल चुका था कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनकी पॉपुलरिटी देखते हुए लोगों का एक सैलाब वहां उमड़ आता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस प्रधानमंत्री जी को उस रैली से दूर रखने की कोशिश की। योगी जी ने, मेरा एक सवाल है आपसे। बीजेपी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, एक साल तक किसानों का जो प्रोटेस्ट चला उसमें करीब करीब 700 से ज्यादा जो किसान है वो मारे गए। आप लोगों ने उस पर कोई बात नहीं आज तक की, जबकि 15 मिनट आपके प्राइम मिनिस्टर को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को या वतन के प्राइम मिनिस्टर को वेट करना पड़ा, एक साल तक तो आपने किसानों के लिए कोई बात नहीं की। दे जो फार्मर्स के लिए जो लाया गया था वो फार्मर्स की ही बेटरमेंट के लिए था, उनकी बहबूदी के लिए था, और देश के प्रधानमंत्री ने एक साल